नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार और यूपी पुलिस ने सफाई अभियान चला रखा है। अपने चुनाव जीतने के साथ ही सीएम योगी ने सूबे को अपराध मुक्त बनाने का संकल्प लिया था और इसके लिए उन्होंने साफ लफ्जों में तमाम बाहुबली बदमाश और हिस्ट्री शीटों को ये अल्टीमेटम दिया था कि या तो सुधर जाओ या फिर राम नाम सत्य की यात्रा जरूर निकलेगी। और तब से यूपी पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ कार्यरत है और अपराधियों को खत्म करने में जुटी है। इस बीच एक बेहद ही बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से सामने आई है, जहां रविवार की रात करीब 11:30 बजे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस दौरान खुद को बचाने के लिए बदमाशों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग भी की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में भाग रहे एक बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लग गई, जिसके बाद वो दबोचा गया और जबकि उसका एक साथी मौके से भागने में सफल रहा। घायल बदमाश को इलाज के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और इसके साथ ही फरार बदमाश की तलाश में पुलिस टीम उसका पीछा करने के लिए निकल गई है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों बदमाश शातिर लुटेरे बताए जा रहे हैं। चलिए अब आपको इस एनकाउंटर से जुड़ी पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। दरअसल रामगढ़ताल इलाके के नौकयान पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इंस्पेक्टर रामगढ़ताल जेएन सिंह को मुखबिरों से सूचना मिली कि इलाके के बड़गो मजरिया का रहने वाला अमित अपने कुछ साथियों के साथ किसी वारदात को अंजाम देने नौकायान के रास्ते पर जाने वाला है। सूचना पर इंस्पेक्टर जेएन सिंह फोर्स के साथ बदमाशों की धरपकड़ के लिए घेराबंदी शुरू कर दी। देर रात करीब 11:30 बजे नौकायान से एक बाइक पर सवार दो बदमाश आते दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही बदमाश बाइक मोड़कर भागने लगे। जैसे ही पुलिस ने उनका पीछा शुरू किया तो बदमाशों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। खुद को बचाते हुए पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो इसमें एक बदमाश को गोली लग गई और वो वहीं गिर गया, जबकि दूसरा मौके का फायदा उठाते हुए वहां से फरार हो गया, जिसके बाद घायल बदमाश की पहचान इलाके के बड़गो मझरिया निवासी अमित कुमार के रूप में हुई है, जबकि फरार बदमाश खोरावा निवासी चिरई का बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। घटना स्थल से पहुंची पुलिस ने एक तमंचा सहित 3 जिंदा कारतूस और 5 खोखा कारतूस व एक बाइक को बरामद किया है। एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने बताया कि मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश शातिर लुटेरा और थाने का हिस्ट्री शीट रह चुका है। दोनों बदमाश रामगढ़ताल थाने के टॉप 10 बदमाशों में शामिल है। घायल अमित के ऊपर थाने में 23 मुकदमे दर्ज है। पुलिस को काफी दिनों से इसकी तलाश भी थी। तो देखा आपने, इस एक और एनकाउंटर से अपराधियों और अपराध के खिलाफ यूपी पुलिस और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी नीयत को साफ कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश के विकास में और अपराध मुक्त बनाने में कोई भी बाधा बना तो उसका राम नाम सत्य होना तय है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।